खरगोन जिले के छोटे से गांव चोली के रहने वाले दर्शन यादव ने माइग्रेन की दिक्कत की वजह से अपना जमा जमाया कारोबार छोड़कर इंदौर से अपने गांव का रुख किया। दर्शन ने करीब 5 साल पहले कपड़ा व्यवसाय में अपनी किस्मत को आजमाया। आज दर्शन इसी दुकान से लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। इसके लिए भी राज्य सरकार ने उनकी काफी मदद की। कुछ आगे और कुछ करने के हिसाब से मैं इंदौर चले गया। वहाँ पे मैंने काफ़ी समय टाइपिंग का काम किया और उसके साथ ही साथ कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स भी किया साथ में। उसके बाद मैंने वहाँ पे अपना खुद का काम चालू किया, जिसमें खुद की मार्केटिंग शुरू करी। इसके जरिए मैंने वहाँ पे मेरा अच्छा सेटअप तैयार किया और बहुत बड़ा काम, मतलब अच्छा काम हो गया था मेरा। वहाँ पे खुद की शॉप थी, 3 से 4 लड़के भी मेरे पास काम करते थे और बहुत अच्छा काम चलता था। 2007 से 2016 तक मैंने वहाँ रेगुलर अपना काम किया, जिसके बाद थोड़ा सा ऐसा होने लगा कि मेरे को थोड़ी माइग्रेन की समस्या होना शुरू हुई। इसके कारण बस परिवार भी परेशान था और मैं भी परेशान था, रेगुलर समस्या चलती गई। तो 2017 में परिवार की अनुमति लेके मैं गाँव ही आ गया था। इंदौर से लौटने के बाद रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, तो उन्हें दोस्तों से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में पता लगा। सरकार से उन्हें 2,50,000 का लोन मिला। इसी लोन की राशि से वर्ष 2017 में मोबाइल शॉप खोली। 1 साल अच्छी चली, दुकान से करीब 50 लाख के मोबाइल बेचे गए। लेकिन फिर ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ने और दुकानें ज्यादा होने से उनकी ये दुकान चलना बंद हो गई और वर्ष 2018 में रेडीमेड गारमेंट का काम शुरू किया। कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलने से ये दुकान चल पड़ी। फिर कुछ दोस्तों से ये पता चला कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कुछ लोन हो जाता है, कुछ पेमेंट हो जाता है। तो मैंने वो ऑनलाइन फॉर्म भरा और मेरे को वो लोन मिला, जिससे मैंने ओप्पो कंपनी की फ्रेंचाइजी शुरू की और 1 साल तक बहुत अच्छा काम चालू किया, जिसके बाद में ऑनलाइन का चलन हो गया मोबाइल के फील्ड में। तो किसी कारणवश मोबाइल की शॉप को बंद करना पड़ा, जिसके बाद एक दुकान अच्छी सी मिल गई। उस दुकान पे मैंने रेडीमेड का पूरा सेटअप तैयार किया, जिसमें मैं हमारे पास बच्चों से लगा के बड़ों के सभी प्रकार के कपड़े हम यहाँ पर रखते हैं। 2018 से 2023 तक में आ गए हैं, मतलब अच्छा काम चला इसके बीच में, जिसमें हमारे पास 1 से 2 वर्कर भी यहाँ पे काम करते हैं और यहाँ से हमारी अभी फ़िलहाल में अच्छी इनकम हो जाती है। हमको शासन से 2,50,000 का लोन मिला था, जिसमें 75,000 सब्सिडी मिली थी, उसमें 40,50,000 से ज़्यादा इनकम हो जाती है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने साल 2014 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। इसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। पिछले 9 सालों में दर्शन जैसे हजारों युवाओं की जिंदगी में इस योजना से एक सुखद बदलाव आया है।